नमस्कार, मैं रविश कुमार। इंटरनेट के जमाने की राजनीति से अच्छी तो बैलगाड़ी के जमाने की राजनीति थी। झूठ की रफ्तार भी कम थी और नेताओं की अर्थहीन बातें सेकंड सेकंड में आपके इनबॉक्स में नहीं पहुंचती थीं। भारत का नौजवान सुबह आंखें खोलता है कि आज उसकी नौकरी और कस्बे के घटिया कॉलेजों पर बात होगी, लेकिन बातचीत का सारा समय हलवा बनाम पोहा में चला जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कपड़े से पहचानने की भाषा कायम की है, तो उनकी पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने खाने से पहचानने का आइडिया ले आए हैं। विजयवर्गीय ने कहा है कि उनके घर में एक नया कमरा बन रहा था जिसमें काम कर रहे 6-7 मजदूरों के खाने का तरीका बहुत अजीब था। वे पोहा खा रहे थे। पोहा खाते देख शक होता है उन्हें और पता करने लगते हैं कि कहीं बांग्लादेशी तो नहीं है। जबकि इंदौर में हर दिन 2 से 3 टन पोहा लोग खपा देते हैं खाके, इतना पसंदीदा नाश्ता है इस शहर का। शौक का नाश्ता तो है ही, गरीबों का खाना है। 20 रुपए में पेट भरने लायक पोहा मिल जाता है। यह भी हो सकता है कि वे मजदूर अपनी गरीबी छिपाने के लिए भोजन में भी पोहा ही खाते हों, जिसे देखकर कैलाश विजयवर्गीय को लगा होगा कि अजीब तो नहीं है, बांग्लादेशी तो नहीं है, कहाँ के हैं। अप्रैल 2019 में इंडिया टुडे आज तक को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा था कि वे खिचड़ी और पोहे के बिना नहीं रह सकते, उन्हें बनाना भी पसंद है। 2014 में Rediff.com के लिए शीला भट्ट ने जब इंटरव्यू किया था तो उन्होंने लिखा था कि अमित शाह उस वक्त नाश्ते में पोहा खा रहे थे और थोड़ी नींबू की मांग कर रहे थे। मेरी सलाह है कि जब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नाश्ते में पोहा खा रहे हों तब कैलाश विजयवर्गीय को वहां ना बुलाएं, वरना कैलाश जी को अजीब लगेगा और वे उन पर भी कुछ शक कर सकते हैं। 2018 की ब्रिटेन की यात्रा के दौरान उनके मेन्यू में भी पोहा था। पोहा ही नहीं, अब तो दोहा पर भी संकट है। कौन कौन सा दोहा गा रहा है और कौन कितना पोहा खा रहा है, इससे तय हो रहा है कि वह पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी। पहले सत्यानाश जब हो जाता है राजनीति का तो यही सब होता है। पहले विरोधियों को पाकिस्तान बताने का खेल चला, अब गरीबों को बांग्लादेशी बताने का खेल शुरू हो रहा है। बेंगलुरु में गरीब लोगों को बांग्लादेशी बताकर झूठ फैलाकर अपने ही गरीब लोगों की झुग्गी उजाड़ दी गई, जबकि ज्यादातर लोग कर्नाटक के ही थे। यह वही हिंदू मुस्लिम टॉपिक है जिसका नेशनल सिलेबस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इस सिलेबस ने दुनिया भर में भारत की छवि खराब करनी शुरू कर दी है। 6 साल से यह सिलेबस चल रहा है। यह दुनिया का सबसे लंबा कोर्स है जो अभी तक खत्म नहीं हुआ भारतीय मीडिया में और राजनीति में। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के कवर के रंग बदलने लगे हैं। 177 साल पुराने इकोनॉमिस्ट पत्रिका ने लोकतंत्र का एक नया सूचकांक बनाया, हमने प्राइम टाइम भी किया था इस पर, और इस सूचकांक पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत 91 नंबर पर खड़ा है और 1 साल में 10 अंक नीचे आया। इकोनॉमिस्ट के कवर की चर्चा हो रही है। टाइम के कवर पर डिवाइडर इन चीफ के बाद इकोनॉमिस्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के भारत को कटीली तारों के ऊपर खिले कमल के रूप में पेश किया है। इनटॉलरेंट इंडिया लिखा है, कवर स्टोरी में लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि भारत के मतदाता का एक हिस्सा उनकी इस बात से सहमत है कि जो मुसलमान है वो गद्दार है। मोदी इसी आधार पर मतदाताओं का निर्माण कर रहे हैं। आजादी से लेकर अब तक भारत ने हमेशा से ही लोकतंत्र के खतरों की बातों को गलत साबित किया है, लेकिन जिस तरह से सोच समझकर इसके सेक्युलर ढांचे पर हमला हो रहा है वो पूरे राजनीतिक तंत्र को खतरे में डाल देने वाला है। वोटर को याद रखना चाहिए कि बीजेपी ने ऐसे प्रयोग किए हैं जिससे बाकी माइनॉरिटी को नुकसान पहुंचा है, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों या गैर हिंदी भाषी हों। ये लिखा है, ये भी लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी गांधी की बनाई अहिंसा की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 23 मई 2015 के इकोनॉमिस्ट के कवर पर पिछली बार प्रधानमंत्री जब छपे थे तो एक अकेला इस शहर में जैसे मुखड़ा मिला था और जैसे कोई मसीहा आया हो और वो सब ठीक करने वाला हो। अब उस मसीहा के भारत की बात पत्रिका के कवर पर कटीली तार के जरिए हो रही है। क्या कश्मीर की नीतियां और नागरिकता संशोधन कानून ने भारत के लोकतंत्र की छवि को धक्का पहुंचाया है? लिखा तो यही है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जिन पत्रिकाओं के कवर पर प्रधानमंत्री 2014 में संभावना पुरुष के रूप में छप रहे थे उन्हीं पत्रिकाओं के कवर पर बंटवारा प्रमुख के रूप में छपने लगे? इकोनॉमिस्ट में अक्टूबर के अंक में एक लेख छपा था कि नरेंद्र मोदी भारत की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमेरिका ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों के अखबारों में भी भारत के लोकतंत्र के बचे रहने को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। सरकार भले ही इन मीडिया को विदेशी समझकर नजरअंदाज कर दे, ज्यादातर मंत्री चुप हो जाएं, लेकिन विदेशी मीडिया के बदलते सुर को
सिर्फ अनसुना करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता, यही प्रकाश के रे जो विदेशी मामलों के विशेषज्ञ हैं बता रहे हैं। पश्चिमी मीडिया लगातार मोदी सरकार की राजनीति को और उनकी आर्थिक नीतियों की समीक्षा करता रहा है, और चूंकि इकोनॉमिस्ट या टाइम थोड़े बड़े नाम हैं तो इनकी चर्चा थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन बहुत सारे अखबार जो हैं जैसे द अटलांटिक में जोना ब्लैंक ने 24 मई को ही जब रिजल्ट आया था लोकसभा का उस समय लिखा था कि हिंदुत्व पॉलिटिक्स का क्या असर हो रहा है भारतीय राजनीति पर, और गार्डियन में लगातार कई लेख हैं, और 1 जनवरी को गार्डियन ने कश्मीर में जो इंटरनेट बैन हुआ था उसको लेके और उसके पीछे की जो सरकार की समझ है उसके बारे में संपादकीय टिप्पणी की थी द गार्डियन ने, और भी ब्रिटिश अखबार हैं, द टाइम्स है, वाशिंगटन पोस्ट है, वॉल स्ट्रीट ने अभी 19 जनवरी को पिछले कुछ दिन पहले इंडियन इकोनॉमी की हालत पे जो है चिंता जताई है। उसके बाद एक ब्राजीलियन वेबसाइट है, ग्लोबल साइट है, द इंटरसेप्ट, वो लगातार लेख छाप रहा है, एनालिसिस छाप रहा है, और उसके संपादक को फाउंडिंग जो एडिटर हैं ग्लेन ग्रीनवाल्ड, उनके ऊपर सरकार ने, वहाँ की ब्राजील की सरकार ने एक मुकदमा चलाने की भी घोषणा की है, क्योंकि वो वहाँ के राष्ट्रपति बोलसोनारो के खिलाफ जो है लगातार रिपोर्ट्स लिख रहे हैं या उनके वेबसाइट्स पे इस तरीके की चीज़ें छप रही हैं, और वही बोलसोनारो 26 जनवरी को हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारी मीडिया इसका संज्ञान नहीं ले रही है, अंग्रेजी में कुछ कुछ अखबारों में वेबसाइट्स में जो है इस तरीके की चिंता व्यक्त की जा रही है कि ग्लोबल मीडिया में जो इमेज बन रही है हिंदुस्तान की वो चिंताजनक बात है। अफसोस की बात है कि उस पर बहुत ज़्यादा बहस या चर्चा उस तरीके से नहीं हो पाई है। 11 जनवरी को सदानंद धुमे ने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था कि विदेश नीति में सफलता का भ्रम तो हमारे देश के भीतर तो एक बनाया गया है, लेकिन उसकी भी बहुत ज़्यादा समीक्षा नहीं की गई है, लेकिन दुनिया में और जो देश हैं, खासकर जो महत्वपूर्ण देश हैं, उनकी राजधानियों में भारत का असर जो है वो लगातार कम हो रहा है। सदानंद धुमे ने इस पर लिखा था। अभी तक यही कहा जाता था कि आलोचना जब होती है तो प्रधानमंत्री को फायदा होता है राजनीतिक रूप से, लेकिन ये वो आलोचनाएं हैं जिससे भारत की छवि को नुकसान हो रहा है। भारत के लोकतंत्र की छवि दांव पर लग गई है। विदेशों में भारत के नाम को उपलब्धि के रूप में पेश करने वाली सरकार और उसके समर्थक इन आलोचनाओं को आसानी से खारिज कर रहे हैं। बीजेपी के विदेश मामलों के प्रभारी विजय चौथाई वाला ने ट्वीट किया है कि हमने सोचा था कि अंग्रेज 1947 में चले गए हैं, मगर इकोनॉमिस्ट के संपादक आज भी औपनिवेशिक दौर में रह रहे हैं। उन्हें गुस्सा है कि 60 करोड़ उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं कि वे मोदी को वोट ना दें। पत्रिका इतनी घमंडी है कि सुप्रीम कोर्ट को भी राय के नाम पर धमकी दे रही है। इनके हिसाब से कथित तौर पर अवैध प्रवासियों को निशाना बनाया जा रहा है, तो फिर इंग्लैंड में क्या हो रहा है? इकोनॉमिस्ट ब्रिटेन की पत्रिका है, इसलिए विजय चौथाई वाला अंग्रेजी राज की बात कर रहे हैं, पत्रिका को घमंडी बता रहे हैं, लेकिन इस पत्रिका ने जब तारीफ में लेख छापे थे तब घमंडी नहीं कहा था। क्या इस पैमाने से किसी पत्रिका के कवर को समझा जा सकता है, स्टोरी को समझा जा सकता है? बीजेपी के विजय चौथाई वाला को मालूम होना चाहिए कि ब्रिटेन की इस पत्रिका ने 2016 के बाद जब वहां ब्रेक्सिट हुआ 12 बार ब्रिटेन को अपने कवर पर छापा है और सब में ब्रिटेन की आलोचना की है। अगर वो औपनिवेशिक राज की पत्रिका होती, उसकी मानसिकता की पत्रिका होती, भारत के विरोध में होती, तो फिर अपने देश की तारीफ ही करते रहती जैसे गोदी मीडिया के भारतीय चैनल और हिंदी अखबार करते हैं। इकोनॉमिस्ट के तमाम कवर ऐसे मिलेंगे और रिपोर्ट भी जिसमें ब्रिटेन की संसद से लेकर सरकार की बार बार आलोचना की गई है। संसद को अराजकता का कारण बताया गया है। भारत की संसद को अराजकता का कारण बताने वाली कोई पत्रिका कवर पर छाप दे स्टोरी तो संपादक जेल में होगा और 4 महीने तक बेल की सुनवाई नहीं होगी। कहीं विजय चौथाई वाला ने इकोनॉमिस्ट को हिंदू अखबार और हिंदी अखबार और चैनलों की तरह तो नहीं समझ लिया है? दुनिया के कितने मुल्कों में स्टेडियम किराए पर लेकर कितनी रैलियां की गईं? उनका यही तो मकसद था कि भारत की जनता को दिखाया जाए गांव-गांव में कि विदेशों में भारतीयों के बीच भारत का नाम हो रहा है। अब वहां की पत्रिकाएं आलोचनाएं कर रही हैं तो उन्हें 1947 के पहले के अंग्रेजों से जोड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं था कि कभी इन पत्रिकाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को हीरो की तरह नहीं छापा। तब उनकी सरकार और समर्थक इन पत्रिकाओं को लेख को हार की तरह गले लगाकर घूमा करते थे।
9 मई 2019 का टाइम पत्रिका के कवर प्रधानमंत्री को डिवाइडर इन चीफ कहा गया, किसी ने सोचा नहीं होगा। इस स्टोरी को लिखने वाले पत्रकार आतिश तासीर की ओवरसीज इंडियन कार्ड तुरंत ही वापस ले लिया गया, जबकि 4 साल पहले 7 मई 2015 में इसी पत्रिका के कवर पर प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र एक अनिवार्य नेता के रूप में होता है। कवर पर प्रधानमंत्री की ही बात लिखी है कि दुनिया के लिए जरूरी है कि भारत एक ग्लोबल पावर के रूप में उभरे। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था। 4 साल बाद इसी पत्रिका के कवर पर प्रधानमंत्री के चेहरे पर उस राजनीति की लकीरें गहरी होने नजर आने लगती हैं और उन्हें डिवाइडर इन चीफ, बंटवारा प्रमुख कहा गया है। हम लोग भूल जाते हैं, कितना याद रखेंगे। टाइम पत्रिका के 3 पत्रकारों ने 7 मई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू छापा था। नैन्सी गिब्स, जोहेर अब्दुल करीम, निखिल कुमार को प्रधानमंत्री मोदी ने 2 घंटे का इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू के साथ उसी टाइम के अंक में पत्रकार निखिल कुमार ने एक अलग से लेख लिखा जो प्रधानमंत्री और इंटरव्यू के बारे में था। इसका शीर्षक था कि नरेंद्र मोदी भारत को कैसे बदलना चाहते हैं, कैसे मोदी ने 1 साल के कार्यकाल के भीतर अपने आप को ग्लोबल पॉलिटिकल स्टार के रूप में स्थापित किया। 3 ही घंटे सोते हैं, योगा करते हैं, 19 देशों का 1 साल में दौरा कर चुके हैं। और इस इंटरव्यू के बारे में पत्रकार निखिल कुमार लिखते हैं कि यह एक रेयर यानी दुर्लभ इंटरव्यू है। इसमें प्रधानमंत्री अपनी गरीबी पर बात करते हुए भावुक हो गए, अपनी आंखें पोंछने लगे, तब कहा कि पिछले 10 साल की सरकार के कार्यकाल की तुलना मेरे 10 महीने के कार्यकाल से ही कर सकते हैं। अब 7 साल होने आ रहे हैं। अगर टाइम मैगजीन का कोई महत्व नहीं होता, कोई एजेंडा होता, तो प्रधानमंत्री 2015 में 2 घंटे का इंटरव्यू टाइम के पत्रकारों को नहीं देते। यही नहीं, इंटरव्यू छपने के अगले दिन विदेश मंत्रालय अपनी वेबसाइट पर इसी इंटरव्यू का पूरा हिंदी अनुवाद भी छापता है। अब जब टाइम में आलोचना छप रही है तो उसके पत्रकार से ओवरसीज इंडियन का कार्ड ले लिया जाता है। जब तारीफ छपती है तो विदेश मंत्रालय उसका हिंदी अनुवाद छापकर हिंदी के दर्शकों तक पहुंचाता है। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी टाइम की पत्रिका से एक बात कहते हैं कि कैसे उनके 10 महीने के कार्यकाल में ही ग्लोबल एजेंसियां उत्साहित हो गई हैं। वे कहते हैं, और उन्हें मैं कोट कर रहा हूं, अगर ठीक ठीक अनुवाद है तो, पिछले 10 महीनों में भारत ने ब्रिक्स में अपनी स्थिति फिर से हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से चाहे IMF हो, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो, विश्व बैंक हो, मूडी हो या दूसरी क्रेडिट एजेंसियां हो, सब की सब एक ही आवाज में कह रही हैं कि भारत का आर्थिक भविष्य शानदार है, यह तेज गति से बढ़ रहा है और दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम में स्थिरता और विकास का कारण बन गया है। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। सोचिए, तब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है, विकास हो रहा है। इन पत्रिकाओं और एजेंसियों की रिपोर्ट को महत्व भी दे रहे हैं, उन्हें अपनी वेबसाइट पर छाप रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। जिस मूडी का नाम प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं, उस रेटिंग एजेंसी ने अप्रैल 2015 में भारत की रेटिंग स्टेबल स्थिर से बढ़ाकर सकारात्मक यानी पॉजिटिव कर दी थी। इसे नरेंद्र मोदी की वेबसाइट पर छापा गया था। 2017 में जब मूडी ने भारत की BAA2 की रेटिंग अच्छी की, तब उस खबर को प्रधानमंत्री कार्यालय ने PMO ने ट्वीट किया था। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री और उनका कार्यालय इन एजेंसियों की रिपोर्ट को तब गंभीरता से ले रहा था, अपनी उपलब्धि मान रहा था। अब उसी मूडी ने नवंबर 2019 में भारत की रेटिंग को स्टेबल यानी स्थिर से नेगेटिव यानी नकारात्मक कर दिया है। मूडी ने 2019-20 के लिए भारत की GDP विकास दर को 6.2% से घटाकर सीधा 5.2% कर दिया है। 4 साल बाद IMF की प्रमुख गीता गोपीनाथ कहती हैं कि भारत के कारण ही, देखिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था में स्थिरता आ रही है, लेकिन अब गीता गोपीनाथ कहती हैं कि भारत के कारण ही दुनिया की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो रही है। Now we have downward revisions of 0.2% for all of the 3 years. The biggest contributor to the revision is India. In India, relative to the numbers we had projected in October, there was the first 2 quarters of the fiscal year 2019-20 came in much weaker than expected. And an important reason for this is stress in the financial sector, particularly in the non-bank financial sector, and because of which there's been a sharp slowing of credit growth. In addition to that, there was weak rural income growth, and that has also affected
domestic demand. पिछले साल डिस्कवरी चैनल ने प्रधानमंत्री को अपने मैन वर्सेस वाइल्ड कार्यक्रम में शामिल किया था. 12 अगस्त 2019 को यह कार्यक्रम प्रसारित हुआ जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अंग्रेजी बोलने समझने वाले एंकर बेयर ग्रिल्स से हिंदी में बात की थी. बेयर ग्रिल्स ने ट्वीट किया था कि अमेरिका के सुपर बोल्स फुटबॉल मैच के टीवी प्रसारण से भी ज्यादा इस कार्यक्रम को देखा गया, जो एक रिकॉर्ड था. 2012 में इसी टाइम पत्रिका ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ की थी और अपने कवर पर छापा था जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे. इसके कवर पर लिखा है कि मोदी मींस बिजनेस, लेकिन क्या वे भारत का नेतृत्व कर सकते हैं. लाल कृष्ण आडवाणी ने तब कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी के बाद तीसरे गुजराती हैं जिनकी कवर स्टोरी टाइम मैगजीन ने छापी है. सोचिए, 7 साल बाद इसी पत्रिका के कवर पर प्रधानमंत्री मोदी बंटवारा प्रमुख की उपाधि पाते हैं. सरदार पटेल और गांधी तो भारत को बनाने और एकजुट करने वाले के रूप में छपे थे, प्रधानमंत्री डिवाइडर इन चीफ के रूप में छपे हैं. तब जब टाइम पत्रिका का कवर अच्छा था तो अब क्यों अच्छा नहीं है. इससे पहले कि आप यह समझें कि टाइम पत्रिका प्रधानमंत्री मोदी को लेकर पर्सनल हो गई है, तो आपको 2012 का ही उसके कवर को देखना चाहिए. तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 2012 में इसी टाइम पत्रिका ने अंडर अचीवर यानी उम्मीद से कम हासिल करने वाला नेता कहा था. तब बीजेपी उत्साहित हो गई थी. बीजेपी के नेता तरुण विजय ने मोदी के कवर और मनमोहन सिंह के कवर की तुलना करते हुए कहा था कि टाइम मैगजीन के कवर पर छपने वाले दो भारतीयों के बीच कितना अंतर है. गुजरात के मुख्यमंत्री की कहानी सुरक्षा, बिजनेस, प्रगति और विकास की है, वही मनमोहन सिंह की कहानी नाकामी, भ्रष्टाचार और रुपए के गिरावट की है. अब तो आप पूछते भी नहीं कि रुपया कितना कमजोर हुआ है. विदेशी पत्रिका में छपी है इसलिए भी यह बड़ी नहीं हो जाती, यह मैं मानता हूं, लेकिन विदेशी पत्रिका में छपी है इसलिए भी यह कहानी छोटी नहीं हो जाती. देखा जाना चाहिए कि किन बातों को लेकर लोकतंत्र पर खतरे की बात कही गई है. क्या उन बातों को करते वक्त, लिखते वक्त तथ्यों को ठीक से पेश किया गया है, क्या वो बातें सही हैं. 9 दिसंबर 2019 को ब्लड एंड सॉयल इन नरेंद्र मोदीज इंडिया शीर्षक से न्यूयॉर्कर पत्रिका में गुजरात दंगों से लेकर कश्मीर को लेकर सरकार के फैसले की पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में, प्रधानमंत्री की राजनीतिक वैचारिक यात्रा का विस्तार से वर्णन किया जाता है. पत्रकार डेक्स्टर फिल्किंस ने राणा आयुब के साथ मिलकर यह लेख लिखा है, लेकिन फिल्किंस पाकिस्तान, यमन, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया और लेबनान की राजनीतिक घटनाओं को कवर करने वाले पत्रकार रहे हैं, भारत में भी रहे हैं. भारत के मीडिया ने गुजरात दंगों का सवाल 2014 के बाद हमेशा के लिए दफन कर दिया, लेकिन न्यूयॉर्कर तभी इन सवालों को से संदर्भ बनाते हुए प्रधानमंत्री की को समझने की कोशिश करता है. आखिर वो क्यों उन पुराने संदर्भों की तरफ लौटता है, इसे सोचना चाहिए, समझना चाहिए. भारत के प्रेस की हालत भारत में आप सब जानते हैं, पता है आपको, दुनिया को भी पता है. पत्रकार की जगह फिल्म स्टार इंटरव्यू ले रहे हैं, गीतकार इंटरव्यू ले रहे हैं, आम जनता भी मीडिया को गोदी मीडिया कहने लगी है. हाल ही में अमेजॉन के प्रमुख जेफ बिजोस भारत आए तो $1 अरब के निवेश का बैंड बाजा बजाने लगे. अमेजॉन के प्रमुख जो जेफ बिजोस हैं, उन्होंने भारत की तारीफ की, लोकतंत्र की तारीफ में ट्वीट कर दिया कि यह भारत की सदी है. तो इससे भी बीजेपी के जो विदेश मामलों के प्रभारी हैं विजय चौथाई वाला नाराज हो गए. बीजेपी के प्रमुख, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि कृपया आप वॉशिंगटन डीसी में अपने कर्मचारियों से ये बात कहिए, वरना आप जो ये लुभाने का काम कर रहे हैं पैसे और वक्त की बर्बादी है. आप बताए, हाँ, जब बीजेपी के विजय चौथाई वाला ने अमेजॉन के प्रमुख को सुना दिया, एक तरह से टॉन्ट कर दिया कि वॉशिंगटन पोस्ट के वरिष्ठ संपादक ने अगले दिन ट्वीट किया. लोपेज ने अपने ट्वीट में कहा कि जेफ बिजोस वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकारों को नहीं कहते कि क्या लिखना है. स्वतंत्र पत्रकारिता का मतलब सरकारों की खुशामद करना नहीं है. भारत की लोकतंत्र की परंपराओं के तहत ही हमारे संवाददाताओं और कॉलम लिखने वाले काम करते हैं. देखिए, भारत में गोदी मीडिया को लेकर कितना सवाल उठा और भारत में कौन स्वामी है इन अखबारों और चैनलों के, कोई उनकी बात ही नहीं करता. लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट का एडिटर अपने मालिक के बारे में ट्वीट कर देता है कि ये हम लोगों नहीं बताते कि हमें क्या लिखना है, ना ही हम इनके कहने पर लिखते हैं. तो ये बेसिक अंतर है. एक, हालांकि हम लोग विश्व गुरु हो गए हैं अब. वॉशिंगटन पोस्ट ने ही 1972 में वाटरगेट स्कैंडल को उजागर किया था और उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था. दुनिया भर में पत्रकारिता के क्लासरूम में पेंटागन पेपर्स पढ़ाया जाता है. इस अखबार के पुराने मालिक को लेकर एक बहुत अच्छी फिल्म आई, द पोस्ट. यह फिल्म जरूर देखिएगा, आप समझ पाएंगे कि एक अखबार को अखबार बनाने में मालिक की क्या भूमिका होती है
और उस अखबार को ठोंगा बनाने में भी मालिक की क्या भूमिका होती है। अंग्रेजी में फिल्म है लेकिन आप हिंदी में समझ जाएंगे, भोजपुरी में लिख देंगे। अब वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक अमेजॉन के मालिक हैं, मालिकाना बदल गया है। अगर भारत की मीडिया में जान बची होती, उसकी साख बची होती, तो भारत के ही प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं से यह ना कह रहे होते कि हमें अब माध्यमों की जरूरत नहीं है। हमारी मुसीबत इसलिए नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं, हमारी मुसीबत इसलिए है कि देश की जनता हम पर आशीर्वाद बरसा रही है। और इसलिए चुनावी राजनीति में जिनको जनता ने नकार दिया है, जिनकी बात अब देश स्वीकार करने को तैयार नहीं है, उनके लिए बहुत कम शस्त्र बचे हैं और उसमें से एक है भ्रम फैलाओ, झूठ फैलाओ, बार बार ऐसी बातें घड़ो, हर चीज को एक रूप दे दो, रंग दे दो और अपनी जो इकोसिस्टम है उससे उसको हवा दे दो। ये लगातार हम देख रहे हैं। ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हम मान के चले हमें माध्यमों से मदद मिलने की संभावनाएं बहुत कम है और न ही माध्यमों की मदद से ही जीने की हमारी आदत है। हम लोगों का लालन पालन भी जनता के साथ सीधे संवाद से ही बना हुआ। ये कमाल का बयान नहीं है कि माध्यमों की मदद से हमें जीने की आदत नहीं है, सोचिए। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनके बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, जबकि रामलीला मैदान में उन्होंने कहा कि कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बना है। तो संसद में उनके ही सरकार के दिए गए बयान को सामने लाया गया और कहा कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि एनआरसी पे कोई चर्चा नहीं हुई है तो कई सारे बयान पुराने निकाल कर लाए गए और राष्ट्रपति का अभिभाषण पेश किया गया और कहा कि देखिए यह चर्चा नहीं हुई तो कहां से आ गया। तो झूठ कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं माध्यम की जरूरत नहीं है, तो यह शानदार बयान है। बेशक बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भूमिका हमेशा रही है, बड़े मेहनती कार्यकर्ता होते हैं बाकी दलों की तुलना में, लेकिन 2014 में मोदी के उभार और उसके बाद उनकी उस तरह के छवियों के निर्माण में टीवी चैनलों की कार्यकर्ताओं से ज्यादा भूमिका थी, जिन्हें प्रधानमंत्री माध्यम के रूप में कह रहे हैं, अखबार और टीवी चैनल के। आप याद करें उन अनगिनत कैमरों को भी, याद कीजिए जो उनकी रैलियों को तूफान के में बदल रहे थे। अब वही प्रधानमंत्री चैनलों अखबारों को माध्यम के नाम से रिजेक्ट कर रहे हैं। क्या मजेदार बात है ना। दावोस में जहां पर आर्थिक जगत के प्राणियों का जमावड़ा हुआ है, वहां पर पंक्षियों का कहिए, वहां पर भी क्यों ये बातें उठ रही हैं। जॉर्ज सोरोस ने भी भारत में बढ़ती संकीर्णता की आलोचना की है। दुनिया में जितने बड़े निवेशक हैं उनमें से एक नाम जॉर्ज सोरोस का है। सोरोस का जन्म हंगरी में हुआ 1930 में। नाजी कब्जे के दौरान सोरोस के परिवार ने यहूदी पहचान को छिपा लिया, पहचान से संबंधित जितने भी दस्तावेज थे उन्हें बदल दिया और अमेरिका भाग आए। 90 साल के इस निवेशक सोरोस भारत पर आने से पहले कहते हैं कि अमरीका, रूस, चीन में सत्ता डिक्टेटर या तानाशाही विचार वाले नेताओं के हाथ में है, दुनिया भर में ऐसी सरकारें बनने लगी हैं। सोरोस खुलकर राष्ट्रपति ट्रंप की भी आलोचना करते हैं, उन्हें धोखेबाज कहते हैं। सोचिए अमेरिका से आकर इसके भारत का कोई निवेशक कह दे तो पता नहीं उसके यहाँ कितने ईडी के छापे पड़ेंगे और 10 दिनों तक लाइव कवरेज होता रहेगा। तो ये तुलना है कि अमरीका का नागरिक अमरीका के राष्ट्रपति को दावोस में जाकर धोखेबाज कह रहा है और हिंदी का पत्रकार प्राइम टाइम में रिपोर्ट कर रहा है। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए सोरोस कहते हैं कि नरेंद्र मोदी भारत को एक हिंदू राष्ट्रवादी देश बनाना चाहते हैं, एक मुस्लिम बहुल अर्ध स्वायत्त कश्मीर पर मोदी ने दंडात्मक कार्रवाई की है, करोड़ों मुसलमानों को उनकी नागरिकता से वंचित करने की धमकी दी है। कुछ दिन पहले जो अभी कल खबर जो आई कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो है एक साल के अंदर आप 10 पायदान पे लुढ़क गया हिंदुस्तान, उसके बाद पावरफुल पासपोर्ट में हम 84वें स्थान पर हैं। तो
इन सारे रिपोर्टिंग्स का असर आखिर जो बिजनेसमैन, अब वॉल स्ट्रीट जर्नल में छप रहा है, इकोनॉमिस्ट में छप रहा है, अब जो आपका निवेशक है जो आपके देश में पैसा लगाना चाह रहा है, या आपका टूरिस्ट हैं, या जो लोग भारत को लेके एक रुचि रखते हैं, उनको भारत से प्यार है, उनको भारत को सम्मान की नज़र से देखते हैं, निश्चित रूप से उस पर असर पड़ेगा। और इसका असर हमारी डिप्लोमेसी पे भी पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जो हम निवेश या और जो मदद सहयोग चाह रहे हैं उस पर पड़ेगा। अब ठीक है, आप कुछ रशियन वेबसाइट्स में अपने पक्ष में कुछ छपवा लें, या कुछ काउंटर रिपोर्ट्स छपवा लें, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर वही है कि आपको, हमारी सरकार को और बाकी और लोगों को और खासकर हमारे हिंदुस्तान के मीडिया को कोशिश करनी चाहिए कि उन बहसों को यहाँ भी चलाए, और सरकार को इस बात का एहसास होना चाहिए कि इस तरीके का नेगेटिव कैंपेन जो है, न सिर्फ सरकार की छवि के लिए और उसकी जो अगर वो बहुत कुछ पॉजिटिव या कुछ अच्छा कर रही है देश के लिए, न सिर्फ उन चीज़ों के लिए नुकसानदेह है, बल्कि पूरे एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में और देश के लोगों के लिए ये छवियाँ, इस तरीके की बातें जो है बहुत नुकसानदेह हो सकती हैं। प्रकाश रे की एक बात सही है जो उन्होंने पहले कही कि हिंदी मीडिया में विदेश नीति को लेकर गंभीर समीक्षा नहीं होती है, स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम को ही गांव में पेश कर दिया जाता है विदेश नीति की तरह। लेकिन इन रिपोर्ट को खारिज करने से पहले भारत की मीडिया की हालत को ध्यान में रखिए। संकट एक और है, भारत के मीडिया की साख का आपको पता है कि 181 देशों में 144वें नंबर पर आते हैं। पश्चिम मीडिया को नकारते हुए या नकारने वाले अपनी मीडिया को झंडे की तरह शान से उठाकर लहरा भी नहीं सकते। जब अपना ही मीडिया इस लायक ना हो और गीतकार कलाकार इंटरव्यू करें और पत्रकार जब इंटरव्यू करें तो सोने जागने का सवाल करें, तो फिर दुनिया से क्या शिकायत। दिल्ली हाईकोर्ट ने JNU के छात्रों को पुरानी फीस पर रजिस्ट्रेशन कराने की अनुमति दी है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनसे कोर्ट ने कहा है कि बिना लेट फीस दिए रजिस्ट्रेशन कराएं। जस्टिस राजीव शकधर ने कहा है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लोगों की शिक्षा का खर्च उठाए, इस जवाबदेही से सरकार बच नहीं सकती। कितनी बड़ी बात है, अच्छी बात है। ब्रेक के बाद कश्मीर से एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP देवेंद्र सिंह को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के साथ ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया। शुरुआती जानकारी के बाद अब कोई बड़ी जानकारी नहीं आ रही है। नजीर मसूदी की यह रिपोर्ट देखिए, आपको एक बानगी मिलेगी कि वहां आतंक की लड़ाई के कितने अंधेरे रास्ते हैं, उन रास्तों पर किसका किससे संबंध है। कुछ भी ठोस तरीके से कहना या खारिज करना आसान नहीं होता है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में हाल का एक एनकाउंटर जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकवादी मारे गए, लेकिन इनमें से एक तो पहले पुलिस से ही जुड़ा था, आदिल बशीर शेख। अक्टूबर 2018 में एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी SPO आदिल की एक फोटो वायरल हुई जिसमें वो हिजबुल के आतंकवादियों के साथ नजर आ रहा था। इससे कुछ दिन पहले ही वो श्रीनगर में एक पूर्व PDP विधायक के यहां से गार्ड ड्यूटी से भाग गया था, साथ AK-47 राइफल लेकर। आदिल शेख एक नए और खतरनाक रुझान का एक हिस्सा है जिसके तहत कई पुलिस वाले भगोड़े हुए हैं। पिछले 4 साल के दौरान 13 पुलिस वाले नौकरी छोड़कर मिलिटेंसी में शामिल हुए। इसी दौरान 2 फौजी जवान भी अपनी नौकरी छोड़कर मिलिटेंसी का हिस्सा बने। आदिल कश्मीर के एक नए खतरनाक चलन का हिस्सा है जिसमें पुलिस वाले हथियार लेकर भाग रहे हैं। पिछले 4 साल में 13 लोगों ने जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ छोड़ा है और आतंकवादियों से जा मिले हैं। सेना से जुड़े 2 लोगों ने भी कुछ ऐसा ही किया। इससे पहले के 4 वर्षों में इस तरह की सिर्फ एक घटना हुई थी, 2012 में एक पुलिस सिपाही श्रीनगर में आतंकवाद से जुड़े मामले में पकड़ा गया था। एक और चिंता की बात यह है कि 177 राइफलें, जिनमें से ज्यादातर AK-47 थीं, गायब हो गईं, जिनमें से कुछ को पुलिस छोड़ने वाले अपने साथ ले गए। इनमें से 105 अकेले 2016 में गायब हुईं। इसी साल बुरहान वानी के मारे जाने के बाद घाटी में बवाल हुआ था। इन 177 राइफलों में से अब तक 70 ही बरामद हो सकी हैं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस से जुड़े लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? दक्षिण कश्मीर के शोपियां में जैनपोरा गांव में आदिल शेख के घर में शोक और सदमा है।
परिवार का कहना है कि उसने सुरक्षा बलों की ज्यादतियों से नाराज होकर पुलिस छोड़ी थी। हमारी गरीबी की वजह से परिवार की मदद के लिए उसने एसपीओ की नौकरी की, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा लंबा नहीं चल सका। हमने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह का कोई कदम उठाएगा। हो सकता है कि आदिल शेख खाकी वर्दी वाले एक और शख्स दविंदर सिंह की दी हुई सूचना पर मारा गया हो। दविंदर को उस वक्त पकड़ा गया जब वो दो आतंकवादियों को लेकर जा रहा था, जिनमें हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर नवीद बाबू भी था। नवीद भी पहले पुलिस से जुड़ा रहा है। वो सिपाही था जो 2017 में एक पुलिस चौकी से 4 AK राइफल लेकर भागा। इन दोनों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने कई एनकाउंटर किए। इन्हीं में से एक में आदिल मारा गया। बड़े पुलिस अफसरों का कहना है कि अपनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई में उनको कोई अफसोस नहीं है। देखिए, मैं नहीं समझता हूं कि ऐसे इंसान के ऊपर ये कहें कि इट्स पेनफुल, जो इस तरह की हरकत करेगा उसको उसका जान भुगतना है। दविंदर अगर वेस्टेड अफसर होके भी पुलिस का वो अपनी जो इस वक्त ही इज मेट इज फेस फेट, अगर उसने को गलत किया तो ये जो एसपीओ का भाग जाना, जो उससे पहले आर्मी के दो जवान जो 17-18 के दौरान और उसके बाद हुआ, तो हमने किसी के साथ कोई रियायत करी नहीं है। और जो कानून के खिलाफ चलता है वो कानून का दुश्मन है, और जो कानून का दुश्मन है उसके खिलाफ सख्त और सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों इसके अपने ही कुछ जवान मिलिटेंसी में शामिल हुए। याद रखे, जम्मू कश्मीर पुलिस मुल्क की बहादुर तरीन फोर्सेज में मानी जाती है, जिसके 1700 अफसरों और जवानों ने मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान दे दी है। पुलिस प्रमुख का कहना है कि इसकी वजह आतंकवादियों का दबाव है। 2017 में दर्जनों विशेष पुलिस अधिकारी एसपीओ आतंकवादियों की धमकियों की वजह से इस्तीफा देने को मजबूर हुए। I would say the overall environment where certain pressures also work and at times your own fallibility also to this kind of pressure varies from person to person. But I'm proud that a large force is fighting with absolute grit and confidence, and one odd incident doesn't mean that we are that having any weakness. That is an. लेकिन हकीकत अलग भी हो सकती है। हम पुलवामा के करीमाबाद पहुंचे, नसीर पंडित के घर, जो पहले पुलिस में सिपाही हुआ करता था। नसीर पंडित 2015 में जब भागा, उस वक्त वो मंत्री अल्ताफ बुखारी के यहाँ गार्ड ड्यूटी पर तैनात था। उसके पिता का कहना है कि वो इलाके में नशे के सौदागरों के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन पुलिस ने थाने में उसकी पिटाई की क्योंकि पुलिस नशे के सौदागरों से मिली हुई थी। इसी के बाद वो हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ गया। जब कानून के रखवालों ने उसे ऐसे सलूक किया तो रास्ता और क्या बच सकता था। शायद वो जज्बात में आकर उसने ये काम किया, ऐसा नहीं करना था। जो को कश्मीर में हर कुछ चलता है, यहाँ पैसों के लिए कुछ भी चलता है। ये तबाही जो कश्मीर में हुई उसका वजह है पैसा। उसके पिता ने माना कि उनके बेटे की वजह से कई नौजवान आतंकवादियों के साथ जुड़े। उसमें एक ऐसा कि वो किसी को भी मारपीट कर सकता है, क्योंकि उस वक्त जनूबी कश्मीर में दम कश्मीर में मिलिटेंसी का नाम ही नहीं था, लेकिन नसीर के आने के बाद इसमें भी बढ़ावा आ गया, क्योंकि वो किसी को भी अपने साथ मोटिवेट कर सकता था। ये भी नसीर की ही वजह से बन गई। ट्रेनिंग कितने लोगों को उसने दी होगी? मेरे जनूबी कश्मीर में आज भी जो भी हैं या इससे पहले भी थे, उनको ट्रेनिंग दी है। नसीर पंडित 2016 में मारा गया। पुलिस छोड़ने वाले 13 लोगों में से 2 को छोड़कर बाकी सभी या तो मार दिए गए हैं या गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यह हकीकत अपनी जगह कि आदिल शेख, नवीद बाबू या डीएसपी दविंदर सिंह जैसे लोग जम्मू कश्मीर पुलिस की छवि नहीं बदल सकते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों की वजह से कश्मीर में मिलिटेंसी का एक नया चेहरा सामने आया है, जिसने 2001 में हुए पार्लियामेंट पर हुए हमले या 2020 में हो रही मिलिटेंट एक्टिविटी पर नए सवाल खड़े किए हैं। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी न्यूज़ के लिए।